नमस्कार, आज हम अपनी किचन में धनिया पुदीने की चटनी बनाएंगे। इसको जो जिसपे बड़े पत्ते होते हैं इसे पुदीना कहते हैं, और ये जो छोटे पत्ते हैं इसे धनिया कहते हैं। ये मैं मेन जो बच्चे जो सर्विस करते हैं जो नहीं सीख पाते अपनी मम्मी से और उन्हें खाना बनाना होता है उनके लिए ही बता रही हूँ मैं। साफ कर लिया जाता है और फिर इनको वॉश कर लेते हैं ऐसे ही इसमें से भी साफ करके। इसमें दो गड्डी पुदीने की है और 200 ग्राम धनिया है कुटा हुआ। अब हम इनको चटनी बनाते हैं। अब हम इस चटनी को बनाने के लिए जो मसाले यूज करने जा रहे हैं उसमें एक चम्मच सादा नमक है सफ़ेद वाला, और इसमें हाफ चम्मच काला नमक है जो कि टेस्ट बड़ा अच्छा आता है इसका। ये जीरा है, कच्चा जीरा। इसमें दो हरी मिर्ची, अगर आप ज़्यादा तीखी पसंद करते हो तो ये दो डाल सकते हो। एक नींबू, और एक ये मैंने कच्चा आम लिया है जिसको मैंने ऐसे छील के कद्दूकस कर लिया है। थोड़ा सा पानी डालना है इसके अंदर, और एक एक करके ये सारे मसाले इसके बीच में जाएंगे। चटनी बनके तैयार है। इसमें देखो कितना थोड़ा सा ही पानी लगा है, इसमें मुश्किल से 100 ग्राम पानी भी नहीं लगा है, और ये हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब हम इसमें लास्ट में ये काला नमक डालेंगे। काला नमक हमेशा लास्ट में डालना, और इसके अंदर अब एक नींबू डालते हैं। नींबू का रस इसके अंदर डाल दिया है, बस ये हल्का सा ही चलाना। तैयार है, एकदम ग्रीन चटनी बनी है।